नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कालसर्प का दंश और मैं हूं मल्लिका शर्मा। मुझसे किसी ने पूछा कि इत्र और मित्र में क्या फर्क है। मैंने कहा जो माहौल महका दे उसे कहते हैं इत्र और जो आपके जीवन महका दे उसे कहते हैं मित्र। और एक ऐसे ही मित्र, एक ऐसे ही सखा लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं, जिन्होंने हमारा जीवन जो है महका दिया है। हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से देने वाले, जी हाँ, हमारे जीवन की समस्त परेशानियों का निदान करने वाले, हमें रोग मुक्त करने वाले हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें नित नए कालसर्प योगों के विषय में बताया है। आज का जो कालसर्प योग है वो है कर्कोटक कालसर्प। ये क्या होता है आप हमें बताएं। जब कुंडली में राहु की स्थिति आपके अष्टम भाव में आ जाए, अष्टम भाव हमारी आयु का घर विशेष रूप से माना गया है। आप ये समझते हैं कि अष्टम भाव में जब राहु आते हैं तो कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य देते हैं, क्योंकि केतु आपके धन भाव में चले गए। केतु का धन भाव में बैठना, राहु का अष्टम में आना और ये सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं, कर्कोटक। अब कर्कोटक कालसर्प योग में अगर आपका जन्म हुआ है, राहु की महादशा या अंतरदशा आपकी कुंडली में जब भी आएगी, तब आपको कहते तो हैं मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे जाती है। मृत्यु के समान कष्ट देने वाली अवस्था आपके लिए हानिकारक होती है, मगर चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आराधना करना, स्वयंभू के साथ जुड़ जाना या कहीं ना कहीं अपने जीवन के लक्ष्य को ये पाने के लिए कि मेरा काया निरोगी रहे, आप अपने आप को स्वयंभू के साथ जब जोड़ लेते हैं तो आपको कष्ट और बाधा नहीं आती और काया आपकी निरोगी रहती है। इस कर्कोटक से भी बचा जा सकता है। जी, जुड़ाव कैसे उत्पन्न किया जाए अपने भीतर में जरूर जानेंगे, लेकिन कॉल लेंगे पहले गुरु जी। हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हैं पानीपत से। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। कल्याण जी आपका बताइए डिटेल। पंडित जी मुझे अपने बेटे का पता करना है, डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च। जी फिर से दोहराए, 22 मार्च। 22 मार्च, 22 मार्च। नहीं सर, पंडित जी 27 मार्च। 27 मार्च, 27 मार्च जी, 27 मार्च 2002। समय और स्थान बता दीजिए। दिन के 1:45 पानीपत। दिन के 1:45 पानीपत। क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? दिमाग तो बहुत तेज है, ये बड़ा होकर क्या बनेगा, कुछ करेगा, कैसे है पंडित जी, क्या उपाय करें, कैसे अच्छा हो? चतुर्दशी शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म है और कुंडली के आधार पर यहाँ पर देखें तो इनकी कुंडली में यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली देखने को मिल रही है, जबकि महादिशा की बात करेंगे तो महादिशा इनकी कुंडली में इस समय जो चल रही है वो महादिशा है चंद्रमा की, 14 से 24 तक जाने वाली है। और कुंडली के आधार पर देखें तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो द्वितीय भाव, धन भाव के चंद्रमा है। आपको परेशान नहीं होना, सबसे पहले एक उपाय कर लीजिए, आप 11 सोमवार तक पंचमेवा की खीर बनाइए और चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को समर्पित कीजिए और बाकी प्रसाद स्वरूप घर में खा लीजिए। ये चंद्र के उपाय कर लीजिए आप, फिर मंगल के उपाय बताएंगे, बच्चे को अवश्य सरकारी राजकीय योग में सफलताएं मिलेंगी। प्रमोद जी जुड़े हैं करनाल से। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। गुरु जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आपको। कल्याण जी आपका बताइए। गुरु जी मुझे अपने बारे में पूछना है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1973, हरियाणा दे पड़ता है जी, और टाइम है जी रात का 1:10 करनाल। 1:10 क्या प्रश्न, क्या समस्या है प्रमोद जी? हाँ जी, मेरे को अपनी सेहत के बारे में पूछना है जी। मेरा वेट बढ़ता जा रहा है और मैं ठीक नहीं रहती, ना हस्बैंड के साथ बढ़ती ना किसी के साथ बढ़ती भी नहीं मेरी। देखिए, सेहत के लिए आपने हमसे प्रश्न पूछा है ना, बिल्कुल हम आपको वैद्य की दृष्टि से बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं, मगर यहाँ कुंडली अवश्य पढ़ना चाहेंगे। चंद्रमा जब भी शुक्र और राहु के साथ होगा उस व्यक्ति का वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम यानी कि चर्बी बढ़ने लगेगी। एक तो कोशिश ये कीजिए कि अपना नियमित रूप से लिपिड प्रोफाइल कराइए, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा ना बढ़ने दें, इस बात का आपने खान पीन में ध्यान देना होगा। अब
यहाँ पर कुंडली में एक चीज और देखते हैं, आपकी कुंडली में आपके मंगल वक्री हुए, बुध वक्री हुए 2 डिग्री के, कुंडली में आपके शनि भी वक्री 11 डिग्री के हुए, जबकि महादशा की इस समय की जो चल रही है महादशा वो आपकी चल रही है राहु की। अब राहु की स्थिति जैसे हमने आपको बताई ये परेशानी करने वाली है। आपने अपने घर के साउथ वेस्ट में सोना प्रारंभ कर दें और हेड आपका हो साउथ में, जैसे जहां पे मास्टर बेडरूम भी बनाते हैं, और एक उपाय तो आप नियमित रूप से शुरू कर दीजिए, अगस्त के पौधे की 5 ग्राम की जड़ और अपामार्ग की 5 ग्राम की जड़ दोनों को मिला लीजिए, लाल कपड़े में बनाकर ओटी सी छोटी बनाइए, गले में पहन लीजिए, इससे आपका वेट भी कम होगा और कॉपर वेसल्स का इस्तेमाल कीजिए और बाकी जो हमने उपाय बताए उनको कीजिए। जी गगनदीप जी का कॉल लेंगे हम, लुधियाना से जुड़े हैं। गगनदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। गगनदीप जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी नमस्कार जी, गगनदीप जी प्लीज टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी बताएं। जयराम जी जी अपनी डिटेल बताएं। संपर्क नहीं हो पाया, यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स आ रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। एक और कॉल लेंगे, अशोक जी जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। जी नमस्कार मैम, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी ठीक है, आप डिटेल बताइए फिर प्रश्न पूछे। गुरु जी प्रणाम। कल्याण जी आपका बताइए। जी मैं भिवानी से अशोक बोल रहा हूँ। जी जी बताइए, आप मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उनकी डिटेल बताएं। डिटेल उसकी 1 अक्टूबर 1994। समय बताएं। भिवानी हरियाणा। समय और बता दीजिए। समय सुबह लगभग 8:10 पे। 8:10 पे क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, वो गेम करता है, बॉक्सिंग करता है जी। बहुत अच्छी बात है, क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? उनके बारे में पूछना है कि वो गेम ही ठीक रहेगा उनके लिए या फिर एजुकेशन में ही जाए। बिल्कुल, यहाँ पे बताते हैं मंगल यहाँ पर तुला लगन में अवश्य लगन में आके बैठ गए हैं, जबकि कुंडली में यहाँ पर शनि वक्री भी हुए, और महादशा की अगर बात करेंगे तो इस समय की जो महादशा इनकी चल रही है वो शुक्र की महादशा है। शुक्र की इनकी कुंडली में देखते हैं तो शुक्र की स्थिति एकादश भाव में है। अब आपको एक बात बिल्कुल बता दें, जब भी कुंडली में ध्रुव योग हो या रेवती नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो क्रीड़ा क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है, ये बात समझ लें आप। अब आपने क्या करना है, अपने घर में अंदर की तरफ सूर्य यंत्र और बाहर की तरफ मंगल यंत्र लगा के रखिए, एक तो राजकीय योग मिलेगा, अच्छी सम्मानित नौकरी मिलेगी और क्रीड़ा क्षेत्र में भी प्रसिद्धि मिलेगी। और एक उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए, 9 मंगलवार तक 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने, ये गौ को दे दिए शाम को 4 बजे के बाद, 9 मंगल दीजिए, फिर हम और भी उपाय बताएं। जी देवीलाल जी जुड़े हैं संगरूर से। देवीलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। गुरु जी नमस्कार। जी आपका, मैं संगरूर से बोल रहा हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। नमस्कार गुरु जी, आपका डिटेल बताइए। मेरा बेटा है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1990। 9/11/1990 जी। और बताएं। 1990 शाम को 4 बजे। समय क्या बताया आपने? शाम को 4 बजे। स्थान और बता के प्रश्न पूछे। वो कब सेट हुआ और कहाँ सेट हुआ? उसने पहले बीटेक की फिर एमबीए की। कहाँ का जन्म है इनका? संगरूर पंजाब। ऐसा नक्षत्र में जन्म हुआ कुंडली के आधार पर अष्टमी कृष्ण पक्ष का जन्म है, शुक्ल योग में जन्म हुआ, और कुंडली भी देखें तो इनकी कुंडली यहाँ पर मीन लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी गज के श्री योग बनाए हुए हैं, यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं केतु के साथ। चंद्रमा जब भी केतु के साथ आता है ना, ये कष्ट देता है कि बच्चा करे या ना करे, या कर ले बहुत एजुकेशन करने के बाद भी घर में बैठ जाता है। अब आपने करना क्या, अपने घर का ईशान पवित्र कीजिए, एक पीला बल्ब जलाइए और कांसे का होल्डर लगा दीजिए, जैसे होल्डर लैंप होता है कांसे का बनवा के लगाइएगा, ये नियमित रूप से हमेशा जलता रहना चाहिए 24 घंटे, छोटा सा बल्ब लगा दीजिए चाहे।
अब आपने उपाय क्या करना है, 12 वीरवार तक 12 साबुत हल्दी, 12 पीले फूल, 250 ग्राम दालचना, एक पीले कपड़े में बांधकर पुजारी जी को देना प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम 12 वीरवार तक दीजिए, बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जी गुरु जी, कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जो दर्शाते हैं कि आप पर कर्कोटक कालसर्प योग है? जब कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि राहु हमारा अष्टम भाव में आ गया, ये भयभीत करने की बात भी है, ऐसा नहीं है कि हम इसे भयभीत नहीं कर सकते, आपको डरना होगा। हम कहते हैं उससे प्रिकॉशन बहुत ज्यादा लें, आप बहुत सारे कामों से बचें, जैसे कि खान पीन से बचें, उस समय आप मौसम से बचें, मौसम से प्रकृति से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जब भी महादिशा या अंतर दिशा में राहु आए और राहु चंद्रमा के साथ मिले आपको देखने को, तो आपको ठंड से बचना होगा। अच्छा, राहु आपका सूर्य के साथ आ जाए तो आपको गर्म चीजों से बचना होगा, तब आपको लू लगने के ज्यादा चांसेस होंगे। अच्छा, बृहस्पति के साथ आ गया तो बृहस्पति के साथ आपका क्या करेगा, आपको पेट के रोग करेगा, आपका खान पीन का सिस्टम खराब करेगा, बाइल्स आपके बढ़ाएगा, वात और पित्त और कफ रोगों की उत्पत्ति करेगा। यहां पर यह चीज देखने को मिलेगी, वात रोग होंगे, बहुत ज्यादा दर्द होगा आपके शरीर में, पीड़ा होगी बहुत ज्यादा। अब सामने केतु बैठा है, सामने केतु क्या करेगा, यहां पर ये धन स्थान पे बैठा हुआ है तो आपका धन तो व्यर्थ खर्च होगा। हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति का धन अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, कोई चाहता है देना, नहीं चाहता। बिल्कुल, निदान हेतु क्या कुछ विशेष किया जा सकता है जानेंगे आपसे, लेकिन पहले कॉल लेंगे। हमारे साथ हरविंदर जी जुड़े हैं संगरूर से। हरविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। हरविंदर जी से हमारा संपर्क टूट गया, यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आप गुरु जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आयु के संदर्भ में आप हमें बताएं। देखिए, जब हम आयु की बात करते हैं तो आयु यहां पर बैठकर आपकी बढ़ोतरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ये आपको समय समय पर कष्ट देगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कष्ट देगा आपको, ये समय समय पर कष्ट देगा और उसी पीरियड में कष्ट देगा जिस पीरियड में गोचर की स्थिति आपसे के अनुकूल नहीं है। अब गोचर की स्थिति ऐसा नहीं है कि वो सभी समय आपके अनुकूल रहे, दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगी। आपका जब राहु निकला 18 वर्ष का तो बृहस्पति आ गया 16 वर्ष के, और फिर शनि भी आ रहे हैं 19 साल के, और शनि जब 19 साल के आपके आ रहे हैं तो उस समय आपको कष्ट दे सकते हैं, सारा समय एक सा नहीं होगा जी। तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करे गुरु जी? देखिए, यूं तो बहुत सारे उपाय हैं, हजारों उपाय हैं, उस समय देश काल स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति का रोग क्यों आया और रोग से बचने का क्या निवारण है, हम कहते हैं इस स्थिति में उसको अस्पताल ही नहीं जाना चाहिए, अस्पताल तभी जाए जब बहुत मजबूरी हो। रोग, अग्नि और शत्रु, हमने बताया रोग, अग्नि और शत्रु, इसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, आप समझ लें, छोटा रोग ही बहुत बड़ा रोग बनेगा, कैंसर बाद में पता लगता है, शत्रुता छोटी सी होगी वही बहुत बड़ी हो जाएगी। लेती है, बिल्कुल बिल्कुल। और अग्नि एक तिल्ली के ऊपर लिखा होता है, ये पूरे जगह को जला देगी। बिल्कुल, कॉल लेंगे हम। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं जलालाबाद से। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। जी बोले। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरे को अपने जी टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज बंद कर दे, अपना प्रश्न पूछे आप जल्दी से। आवाज कट करी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रिंस कुमार बच्चे का नाम है जी। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 27 सितम्बर 27 सितम्बर 1994। समय और स्थान बता दीजिए। स्थान जलालाबाद। समय और बताएं। समय बताइए। समय 12:02। क्या प्रश्न है ओम प्रकाश जी? जलालाबाद। मैम, इनके करियर के बारे में पूछना है कि इनका करियर आगे कैसे चलेगा, स्टडी में इनका कैसे इनको मतलब इंप्रूवमेंट रहेगी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ कुंडली के आधार पर मृगशिखा नक्षत्र के यहाँ तृतीय चरण में जन्म हुआ, सप्तमी कृष्ण पक्ष का जन्म है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलती है कुंडली में, राहु गुरु बुध और शुक्र की युक्ति है। अब एक काम सबसे पहले आप कीजिए,
आपको एक सरल उपाय बताते हैं। आपने पूछा काम कैसा चलेगा, खीरा केला टमाटर, खीरा खट्टा होता है, केला मीठा होता है, और खीरा कड़वा होता है, टमाटर खट्टा होता है, ये तीनों चीजें आप मिलाकर खिलाइए। गाय क्या खाती है क्या नहीं खाती है, अगर तीनों चीजें खा लेती हैं तो इनके वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दे दीजिए। अगर गाय कुछ नहीं खाती है, एक चीज कम खाती है, तो आपने क्या करना है, 9 मंगलवार तक लगातार गौ को केले खिलाने, 2 केले खिलाएं, 4 केले खिलाएं, और छिलके सहित खिलाइए, ये उपाय करके देखिए। कहते हैं समय चाल पहचान ले, भला बुरा ले जान, यदि पीछे रह जाएगा लोग कहे अज्ञान। बाकी यदि आप अज्ञानता की श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, तो जब भी आपका कॉल लगे कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, अपनी डेट ऑफ टाइम प्लेस लेकर बैठे समय की महत्ता का लाभ उठाएं। आयु के विषय में आप हमें बता रहे थे गुरु जी, क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, क्योंकि आप नाड़ी वैद्य भी हैं, रोग भी जुड़ते ही रहते हैं उसके साथ, उसके संदर्भ से जुड़ा अद्भुत उपाय आप हमें बताएं आज। देखिए बहुत सारे उपाय हैं जी, ये प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है और थोड़ा समय का प्रश्न है, ये समय चाहिए इसके जी, लिए जी। हम संक्षिप्त में बताते हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिए, सोना कैसे है, खाना कैसे है, और पानी कैसे पीना है, पानी के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर है। पानी को जिस में मिलाएंगे ना, छाछ में मिलाएंगे, वो छाछ के रूप में हो जाएगा। ये हंस के अंदर शक्ति है, वो पानी और दूध को अलग अलग देखता है, और वो पीता भी खाली दूध है, पानी छोड़ देता है। आप समझ लीजिए बात को, हंस के अंदर ही ये पावर है, या कुदरत ने उसको, भगवान ने क्या शक्ति दी है, वो दूध दूध पी लेगा। ऐसे ही आपको अपने अवगुण निकालने होंगे। जिस दिन आप अपने अवगुण निकाल दिए, अपने दोष निकाल दिए, वात पित्त कफ को कंट्रोल कर गए, उस दिन आप बहुत बड़े रोगी नहीं रहेंगे। बहुत कम लोग होते हैं गुरुजी जो बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, ये पहचान कैसे हो जानेंगे आपसे, लेकिन पहले कॉल लेंगे। हरवंश जी जुड़े हैं रोपड़ से। हरवंश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हाँ। जी आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बताएं। हरवंश जी बताइए डिटेल। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 1950। 28 मार्च 1950। हाँ, रोपड़। समय और बताएं। 11 बजे PM। समय और बताएं। हाँ, राजनीति के बारे में पूछना चाहता हूँ। रात्रि 11 बजे का समय बताया उन्होंने। 11 बजे रात्रि, क्या पूछना चाहते हैं आप? राजनीति के बारे में। राजनीति के बारे में। हाँ बिल्कुल, आपको बताते हैं। सुकर्म योग, दशमी का जन्म है, यहाँ शुक्ल पक्ष पुख नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ। आपने राजनीति की बात करी है, तो सूर्य राहु यहां की आपकी पंचम भाव में। अब आपने क्या करना है, देखो, एक तो अपने मन की बात जब तक संपूर्ण ना हो किसी से कहनी नहीं है, यह बात राजनीति का पहला आप सूत्र याद कर लीजिए अपनी कुंडली के आधार पर। अब मंगल यहां केतु के पास है, यह युति आपको कहती है कि बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना, अपने मित्र गणों पे बहुत ज्यादा विश्वास तो करें, आप विश्वास बहुत करते हैं, मगर जो बात आपकी प्लानिंग है, आइडिया है, वो डिस्क्लोज नहीं करें। अब उपाय क्या करना है, आपने एक सरल उपाय करना है, 9 मंगलवार तक चोला प्रदान कर दीजिए और हनुमान जी का झंडा और जनेऊ देना ना भूलें। 9 मंगल तक ये उपाय करके देखिए, आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बलविंदर जी जुड़े हैं हमारे साथ अमृतसर से। बलविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। जी मेरा जो जन्म है जी वो 5/11/1970। 5/11/1977 जी। समय और बताएं जी। समय है जी 1:35। मॉर्निंग इवनिंग? रात का समय 5 का, जो पहला 12 बजे के बाद जो 1 बजे है वही 5 वाला। ठीक है जी। स्थान और बता के प्रश्न पूछे आप। अमृतसर। अमृतसर क्या पूछना चाहते हैं साहब? ये बताइए जॉब चेंज कर सकते हैं, समय से कैसे चल रहा है, मतलब अनुकूल है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताते हैं। नौमी कृष्ण पक्ष, यहाँ शुक्ल योग में जन्म हुआ, श्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ, कुंडली के आधार पर यहाँ पे सिंह लगन की आपकी कुंडली है, जबकि शनि आपकी कुंडली के लगन भाव में बैठे हैं। आपने जॉब के लिए इच्छा जाहिर करी है कुंडली के आधार पर। यहाँ पे महादिशा भी आपको बताते हैं, इस समय की महादिशा आपकी चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा में प्रत्यंतर भी चल रहे हैं, वो इस समय चल रहे हैं राहु के। अभी समय है, अभी आप अगर जो जॉब कर रहे हैं उसको चेंज मत कीजिए, अपने जो संबंधी हैं या मित्रगण हैं उनसे बहुत ज्यादा अपनी बातें मत कीजिए, हो सकता है आपको आघात पहुंचाए।
अब आपने करना क्या, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक चंद्र यंत्र की स्थापना कर दीजिए और प्रयास कीजिए मखाने चाशनी में डूबे हुए, मखाने होते हैं चाशनी में डूबे हुए, किसी महिला को प्रदान कीजिए 125 ग्राम मखाने, कम से कम आप 11 सोमवार तक प्रदान करें। जी गौरव जी का कॉल लेंगे, पठानकोट से जुड़े हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। हेलो। हाँ जी गौरव जी बताइए डिटेल अपनी। मेरा नाम गौरव शर्मा सर, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ। जी जी सर, मेरे टाइम है सुबह 2:14 20 जून 1979। 20 जून 1979 2:16 2:14 सुबह के। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। बिल्कुल बताए थे आपका भविष्य, काशी का जन्म है यहाँ पर कृष्ण पक्ष की, जबकि कुंडली के अंदर अति गण योग में जन्म हुआ है, अश्वनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, आपकी मेष लगन की कुंडली और मेष ही आपकी राशि है, चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है और कुंडली में आपने पूछा आपका भविष्य, तो आपको बता दें कि आपके पास अभी मंगल की महादिशा आने वाली है, इसमें आपके सोर्स ऑफ इनकम दो हो जाएंगे। आपने करना क्या है अपने घर में, अपने घर में जितनी साउथ की खिड़कियां हैं उनको या तो काली कर दीजिए या लाल कर दीजिए या चेरी कलर की कर दीजिए, और अपने घर के ईशान में व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना कीजिए शुभ लाभ यंत्र के साथ, और प्रयास कीजिए कि नियमित रूप से कम 27 वीरवार तक गऊ के घी की दीपक जलानी है राधे कृष्ण के सामने, और माखन मिश्री का भोग भी लगाएं, इससे आपकी राशि को बल मिलेगा और आपको सफलताएं मिलेंगी। गुरु जी आप हमें आयु के संदर्भ में बता रहे हैं, क्या व्यक्ति अपनी आयु पूरी भोगता है या नहीं, ये भी आप हमें बताएं। ये निर्भर करता है उसकी महादिशा अंतरदिशा या उसके योगों पर। कभी कभी बच्चे के भाग्य से पिता पूरी आयु भोगता है, कभी कभी माता के, कभी पत्नी के। अगर देखो इसमें एक बात समझने की है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अगर पत्नी के योग में पति का पूर्ण सुख है आजीवन, तो वो पत्नी ने बचाया ना, सावित्री की भी कथा सुनी होगी आप, वो पत्नी के योग से पत्नी के भाग्य से आप बच गए, और पिता के भाग्य से भी बच सकते हैं। वो देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा भाव देख रहा है, आपके अष्टम भाव को देख के कहीं वो आपकी आयु बढ़ाता है, कष्ट आएगा, अस्पताल गया व्यक्ति बिल्कुल बच गया, कहते हैं ना भगवान का कुछ दिया लिया काम आ गया, वो हम कहते हैं दानम लब्धो परम शांति, दान देने से परम शांति मिलती है, और दान क्यों है, ये धर्म के पाए। भावी को मेटने की अगर कहीं शक्ति है, हम तो कहते हैं चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पास है या हमारे ठाकुर के पास है, भगवान कृष्ण ने भी ये बात कही है और गीता में तो स्पष्ट कह दिया भाई, क्या कहा, जो मुझे अनन्य रूप से भजता है, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, जो मेरा ध्यान रखता है, जो मेरे लिए रहता है, हर समय चिंतन में मेरा डूबा रहता है, जो उसके पास होता है उसकी तो मैं रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं होता वो मैं उसे लाकर देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर कष्ट हो गया, हम दान देते समय कहते हैं ना, हमने कहा दानों लब्धो परम शांति, हम हरिओम तत्सत करते हैं, हरिओम तत्सत यानी कि हमने इसका फल स्वयं को नहीं मांगा, हमने कहा हरिओम तत्सत इसका फल विष्णु को मिले, दान देने का मतलब इसका फल विष्णु को मिले, आपका विष्णु के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो गया, आपका अपने ईष्ट के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो गया, अब कष्ट बाधा होगी तो उसको भी तो होगी बराबर, और प्रभु को तो दोष लगता ही नहीं। बिल्कुल, चाहे आप किसी भी स्थिति में रहें धर्म का पालन अवश्य करें। बिल्कुल, और अधिक जानेंगे आपसे। जी फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आपके फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। Namah Shivaya, Om Namah.